بسم الله الرحمن الرحيم. What it is. तो इन ए नटशेल उसका जवाब ये है कि हम बिल्कुल एक ऐसी जगह हैं जहाँ ना हमारी कोई इबादत कबूल हो रही होगी ना कोई दुआ कबूल हो रही होगी. शॉकिंग इज़न्ट इट? क्यों? कम से कम यहाँ बैठ कर ये अंदाज़ा तो हुआ कि इरादा अच्छा है, ठीक है, लेकिन जब तक जिस माशरे में आप रह रहे हैं ना, आप अगर अपने चारों तरफ देखें तो क्या वो माशरा उस माशरे में अल्लाह बड़ा है? अल्लाहु अकबर. इस माशरे में अल्लाह बड़ा है कि नहीं है? तो क्या हमने अल्लाह को बड़ा किया है? द आंसर इज ऑब्वियस, है ना. अभी मैं आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस सुनाऊं, वो भी बहुत इस वीक में हुआ है. अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वॉट एवर, एक मुझे मेरे भांजे सारे मेरे फाइनेंशियल मैटर एड्रेस करते हैं, तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि एक हलाल चीज़ को किस तरह हराम बना दिया गया. एक ज़मीन आप ख़रीद रहे हैं, एक बेच रहे हैं, और जितनी उसमें जो कुछ भी पेपर वर्क और इंटरेक्शन विद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बग़ैर रिश्वत के एक पाई नहीं होती, पॉसिबल ही नहीं है. और राशि वल मुर्तशी, अब आप मुझे ये बताइए कि आप सब बैंकों से बैंक से इंटरेक्शन करते हैं, करते नहीं करते हैं? छोड़ कहाँ से, छोड़ ही नहीं सकते आप. आप पेपर मनी यूज नहीं करते? बैंक से रिलेटेड पेपर मनी, एक्चुअली हमें वो एजुकेशन दी ही नहीं जा रही जो रिक्वायर्ड है. अब ये जो हमारी कन्वेंशनल इल्म जो है, वो आपको ये अंदाज़ा है कभी कि ये जो हम हाउ मनी इज जनरेटेड? मनी की अल्लाह ताला या अल्लाह के रसूल ने क्या डेफिनेशन दी है? द वैल्यू ऑफ द मनी शुड बी विद इन द मनी. पेपर जो है, कोई नोट निकाल के दिखा दे, इस पेपर की कोई वैल्यू है? छह चीजों की रसूलुल्लाह ने कहा कि ये दे कैन बी यूज्ड एज मनी, है ना. गोल्ड, सिल्वर, गेहूं, जौ, खजूर, नमक, इन सब की शेल्फ लाइफ है. एंड द वैल्यू ऑफ द मनी इज इन द मनी, कभी डी वैल्यू नहीं होगी, है ना. तो आपको पता है इस वक्त जो फाइनेंशियल निज़ाम है वो सिर्फ डेट से रिलेटेड है. अमेरिका का वो जो है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट सेंट्रल ट्रेजरी से कहता है कि यार $1 trillion भेज दो, उसके अगेंस्ट बॉन्ड दे देता है. सब पेपर वर्क, कोई बैकअप पे कोई कुछ नहीं है. पहले तो फ्रैक्शनल बैंकिंग सिस्टम था जिसमें 10% होना चाहिए था, अब जीरो है. और ये बबल किसी वक्त भी ब्रेक हो जाएगा. अब ये पेपर मनी जो है, ये बजाते खुद एक इंस्ट्रूमेंट है उसका, रिबा का.
हमने अपने पूरे माशरे में एक्सेप्ट कर लिया ना इसको एज नॉर्म, हम सब मी इंक्लूडिंग, हम हमारे पेट में हलाल जा ही नहीं रहा, जिसके पेट में हलाल ना जा रहा हो, है ना मुश्किल, क्योंकि कॉन्सेप्ट कितना मुश्किल है, हजम भी नहीं हो। जस्ट इमेजिन कीजिए कि कोई, वो याद है वो एक हदीस के वो रसूलुल्लाह उसके मुतालिक कमेंट कर रहे हैं कि वो हज करने आया है दुबली पतली उठनी पर, तवाफ कर रहा है और अल्लाह अल्लाह पुकार रहा है, और एक वो है हदीस कुदसी है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इसका, इसके पेट, इसका पूरा जिस्म हराम से मुजयन है, इसकी दुआ कहाँ से कबूल करूँगा मैं। याद है ये हदीस सुनी भी होगी लोगों ने, इसका रिस्क हराम, इसके बदन का कपड़ा हराम, इस कोई दुआ कबूल नहीं, कोई दुआ कबूल नहीं होगी, कोई अमल कबूल नहीं होगा। और ये हमने इस तरह इतनी आसानी से सब चीजों को एक्सेप्ट कर लिया है और हम उसके लिए माफी भी नहीं मांगते, हम माफी मांग रहे हैं इस सब चीजों की, इस्तरारी कैफियत है। मैं आज आपको ये किस्सा सुनाने आया हूँ कि एक ऐसे 7 बच्चे थे जो जिन्होंने कहा कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। अल्लाह की पहचान एक दफ़ा हो जाएगी ना, इसीलिए अल्लाह से ताल्लुक का सबसे बड़ा ज़रिया क्या है, कुरान। और जब हमारा ताल्लुक अल्लाह से, अल्लाह से हमारा ताल्लुक सही हो जाएगा, हम एक्चुअली हमारा ताल्लुक अल्लाह से सही नहीं है, हम उसको कादिर मुतलक मानते ही नहीं हैं। इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर मानने को तैयार ही नहीं है, हम इस मास्क को समझते हैं कि ये बचा लेगा हमें, हम किसी तरह अल्लाह की हक्कानियत को पहचानने को तैयार ही नहीं हैं। जिस लेवल पर जाकर फिर आपको, अभी हम इसमें आगे आते हैं, आपको अब आप कहेंगे कि इसकी एविडेंस, तो एविडेंस कहाँ से लाऊंगा मैं, कुरान से, और कोई और जरिया है नहीं, है ना। तो एक्चुअली क्वेश्चन वॉज रेज्ड कि आर वी ऑन द राइट पाथ टू अचीव रज़ाए इलाही ऑन द डे ऑफ जजमेंट, इन ए नटशल, कि हम कहाँ खड़े हैं और हम कर क्या रहे हैं। तो एक तो बहुत अच्छी चीज़ जो नज़र आई वो ये कि इरादा, इरादे की वो सुनिए आप, ये है सूरह रात की आयत नंबर 11, है ना, 13 सूरह रात जो है वो 13 सूरह है, और उसकी आयत नंबर आप चाहें तो रेफरेंस लिख लें, स्टडी देम, आई मीन बेसिकली आई वांट ऑल ऑफ यू टू एक्चुअली डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि जो कहा जा रहा है वो सही होगा। आप इस रेफरेंस को नोट करें और इस पर डिबेट करें अपने आप से, ठीक है। इन्नल्लाह ला युगयिरु मा बिकौमिन हत्ता युगयिरु मा बिअन्फुसिहिम वइज़ा अरादल्लाहु बिकौमिन सूअ फला मरद्द लहु वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। कोई अल्लाह का मुकाबला कर सकता है भाई कोई, है ना, जिसको कितना जफर अली खान का वो शेर है, खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको खुद ख्याल अपनी हालत के बदलने का।
ये हमारा आलम है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ये आयत मैंने यहां क्यों रखी है? अंदर से बदलना पड़ेगा और हम अंदर से बदलने को तैयार नहीं है। तैयार हैं? हिजरत के लिए तैयार हैं? सारा मसला यही है। अभी आपको अभी दिखाते हैं कि क्या मतलब है मेरा। ठीक है, ये समझ में आई बात नहीं आई? माँ इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ला युगैरो माँ बिकौमिन हत्ता युगैरो माँ बे अनफुसे, है ना? हालांकि ये आप कितनी दफा पढ़ के गुजर चुके होंगे, कभी इस पर डिलिब्रेट कीजिए। एक आपको और भी मैं जाते हुए एक अच्छी हिंट भी दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि हमारा इस वक्त का जो माशरा है वो हम कहाँ खड़े हुए हैं, और उसकी एनालॉजी उन बच्चों किस्से के साथ कितने करीब है जो सूरह कहफ में। सूरह कहफ सबको मालूम है कि दज्जाल से के फितने से बचने के लिए एक त्रियाक अल्लाह ताला ने आपको दिया दिया है, नहीं दिया है? अब ये बेचारी कराची का हाल है ना, जो कुरान में है। वैसे तो शुरू के मुफस्सरीन इसको सिर्फ मक्के का हाल सुनाते थे, लेकिन ये सूरह नहल की आयत नंबर 112 है। ठीक है, वज़रब अल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतम मुतमईनतन यातीहा रिस्कुहा रगदा मिन कुल्ली मकान, है ना? कराची ऐसे ही था ना भाई, गरीबों का शहर समझा जाता था। किस कदर अमन था, रिस्क था। अब क्या है? फकफरत बि अन अमिल्ला, फिर आपने क्या किया? अल्लाह की नेमतों का इनकार किया, है ना? आप तफरकों में बढ़ गए, आप मुसलमानों के बजाय कुछ और अपना नाम कहलवाने लगे। मुस्लिम नहीं रखा आपने, आपने अपना नाम, आप कुछ और बन गए। तो अल्लाह ताला ने इसके बदले में आपको क्या क्या दिया है? फ़ाइज़ा कहा, अल्लाह ताला ने क्या पहना दिया, क्या चखाया आपको? लिबासुल जू। यहाँ लफ्ज़ लिबास क्यों यूज़ किया है? जू कहते हैं भूख को, क्यों दूर से नजर आता है लिबास के आपने आपने क्या पहना हुआ है ना? और लिबासुल खौफ दे दिया, है ना? फकफरत बि अन उमिल्लाह ही अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूई वल खौफी बिमा कानू यसनाऊन, जो कुछ के वो सनात कर रहे थे, बना रहे थे। ये सूरह नहल है, आयत नंबर 112। अपने चारों तरफ नजर डालिए तो हमने क्या किया है। मैं इंटर में कब था? 1975 में, हो सकता है बहुत सारे लोग उस वक्त पैदा भी ना हुए हों। हमें एक पाई की कोई परेशानी नहीं होती थी। डॉ मेडिकल कॉलेज से निकलते थे, वो निहारी वाला होता था, क्या नाम था उसका, साबरी का, और जेब में 5 रुपए होते थे, 6 लड़के होते थे, सब खा कर आते थे। ग्रेवी पर ग्रेवी दिए जाता था, रोटी मुफ्त थी। तो हमने क्या किया अपने साथ? आपने सूरह लैलाफ पढ़ी होगी ना, लैलाफ कुरैशी नीलाफिम रिहलत शिताई व सई फलियाबुदू। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? फलियाबुदू रब हाजल बैत, इस घर के रब की इबादत करो। क्यों?
आता माँ हूँ मिन जू हूँ, जिसने खाने को भूख में क्या दिया, खाना दिया, वो आमना हूँ मिन खौफ, खौफ में अमन दे दिया।